उज्जैन केस में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। सामने आ गया वो शख्स जिसने सबसे पहले पीड़िता को देखा। महाकाल की नगरी उज्जैन में जो वाक्या हुआ उसे देख और सुनकर देश का हर शख्स शर्मिंदा है। हर कोई गुनहगार भरत सोनी को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग कर रहा है, लेकिन हर किसी के जहन में एक सवाल ये भी उठ रहा है कि मासूम सड़क पर भटकती रही, लेकिन उसकी मदद के लिए आगे कोई क्यों नहीं आया। बल्कि कई लोगों के जहन में एक सवाल ये भी है कि सड़क पर मदद मांग रही मासूम को सबसे पहले किसने और कब देखा। तो आपको बता दें, पीड़िता को अर्धनग्न अवस्था में देखने वाला शख्स भी अब सामने आ चुका है। लड़की को अर्धनग्न अवस्था में देखने वाले शख्स का नाम है राजेश। बल्कि राजेश ने इस मामले को लेकर कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं। राजेश ने बताया, मैंने उस लड़की से पूछा कि बेटी क्या हुआ। वो रो रही थी, उसने कुछ कहा लेकिन मुझे उसकी भाषा समझ में नहीं आई। इसके बाद मैं अपनी पत्नी के पास गया और उसे बताया कि एक लड़की अर्धनग्न हालत में जा रही थी। इसके बाद बाहर देखा तो वो जा चुकी थी, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। सूत्रों की मानो तो ये वही शख्स है जो सीसीटीवी फुटेज में भी पीड़िता से बात करता हुआ नजर आ रहा था। हालांकि शुरुआत में तो यही दावा किया जा रहा था कि शख्स ने पीड़ित मासूम की मदद नहीं की थी, लेकिन जिस तरह से इस शख्स ने अपना बयान दिया है उससे तो यही पता चलता है कि शख्स मासूम लड़की की मदद के लिए घर के अन्य लोगों को बुलाने गया था, लेकिन जब तक मासूम लड़की वहां से गायब हो चुकी थी। लेकिन आपको बता दें, मासूम लड़की को इंसाफ दिलाए जाने के लिए मध्य प्रदेश की पुलिस इस मामले की जांच हर एंगल से कर रही है। बल्कि अब तो पुलिस उन लोगों को भी तलाश रही है जिन जिन लोगों ने मासूम बच्चे की मदद नहीं की थी। यहां तक कि पुलिस ने साफ साफ कर दिया है कि जिन लोगों ने लड़की की मदद नहीं की थी उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं आपको बता दें, इस बड़े अपराध का मुख्य आरोपी पुलिस की कस्टडी में है। आरोपी भरत सोनी के पिता अपने बेटे को सजा दिए जाने की मांग कर रहे हैं, जबकि मासूम लड़की का अस्पताल में इलाज जारी है। हर कोई मासूम के जल्द ठीक होने की प्रार्थना भी कर रहा है, तो वहीं हर कोई आरोपी भरत सोनी को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग पर भी अड़ा हुआ है, ताकि पीड़ित लड़की को इंसाफ मिल सके। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।